अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का धरना बुधवार को भी जारी रहा। वेतन विसंगति एवं सामान्य कार्य समान वेतन, आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा बंद करने, आशाओं को सम्मानजनक वेतन दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस अवसर पर हड़ताल में भारी संख्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक, JSI से जुड़े स्टाफ नर्स, ANM और अन्य संविदा कर्मी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने कहा, डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यहाँ पे जिला गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी पूरे प्रदेश भर के 21 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमारी मांगे बहुत दिनों से चली आ रही हैं, जिसमें 5 मांगे हैं, जिसमें से प्रमुखता हमारी जो है समान कार्य समान वेतन और हमारे जो आशा बहने हैं उनके लिए 10,000 मानदेय है और जो ठेका प्रथा है उसको समाप्त किया जाए, इसकी हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं ख़त्म करने की, इसकी भी हमें लागू किया जाए तुरंत, और सेवानीति, विशेष सेवानीति हम पे लागू हो, HR पॉलिसी लागू हो, इन सभी मांगों के साथ हम यहाँ धरने पर अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं और आज हम बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी करने, जिससे कि सरकार जगे और हमारे लिए कुछ अच्छा निर्णय ले, हमारे हितों का ध्यान रखे। हमारे पीछे परिवार है जो आज की महंगाई के जीवन में, महंगाई के अवसर पे बहुत ही दिक्कत हो रही है, कठिनाई से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको सहायता मिले, इन्हीं सब उद्देश्य से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बारिश भी काफ़ी हुई यहाँ पे, ठंडी हवाएं चल रही, उसके बाद भी हमारे संविदा कर्मियों का मनोबल लगातार ऊंचा बढ़ता जा रहा है और सभी लोग, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है हमारे गोरखपुर जिले से, और हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी हमारे ANM स्टाफ और डॉक्टर्स और सभी संविदा कर्मी नहीं कर रहे हैं आज के दिन, और सभी लोग धरने पे यहाँ आज शामिल हुए हैं।